चीन के वुहान से निकला एक वायरस आज पूरी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। माना जा रहा है यह वायरस चमगादड़ से फैला। आज बात इसी चमगादड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। चमगादड़ शब्द सुनते ही लोग दहशत ज्यादा हो जाते हैं। जी हाँ, उन्हें पता चलता है चमगादड़ का बसेरा उनके ही इलाके में है तो क्या होता है, देखिए न्यूज नेटवर्क टुडे की यह रिपोर्ट। कोरोना का जन्मदाता चीन, चमगादड़, हुआन शहर, ये तीन नाम आज दुनिया की हर व्यक्ति की जबान पर हैं। हम आपको बता दें, कुछ देशों में 6 तरह के कोरोना वायरस मिले हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के 4 राज्यों में 2 तरह के बैड कोरोना वायरस मिले हैं। वो राज्य हैं तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल और हिमाचल। माना जा सकता है भारत में पेरिपस नामक चमगादड़ से निपाह नामक बीमारी फैली थी। हम आपको बता दें, यह चमगादड़ से होती हुई बिल्ली तक पहुंची और उसके बाद सार्स इंसानों तक पहुंचा था। यह चमगादड़ के मल मूत्र और काटने की वजह से गाय बैल और आवारा कुत्तों से होता हुआ आदमी तक पहुंचता है। चमगादड़ की जीभ में यह वायरस होता है। चमगादड़ का ह्यूमन सिस्टम बहुत मजबूत होता है, इसीलिए यह इस पर असर नहीं करता। माना जाता है चमगादड़ में एक ही समय में कई वायरस होते हैं। जब तक कुछ खाता है या किसी को काटता है, वायरस तभी फैलता है। इस पर रिसर्च पूरी देश दुनिया के लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसको सुनकर आपके पैरों से जमीन सरक जाएगी। आइए चलते हैं रीवा सतना की सरहद से लगे बकिया गांव में और दिखाते हैं वहां पर एक आम के पेड़ में पिछले 200 सालों से चमगादड़ों का बसेरा है, जिसकी दहशत के चलते वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जी हाँ, पूरी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से परेशान है, इसका कोई भी हल अभी तक नहीं खोज पाया है। वहीं न्यूज नेटवर्क टुडे की टीम ने रीवा और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और इस खोजबीन में लग गए यह बीमारी क्यों और कैसे हो रही है, रीवा और उसके आसपास चमगादड़ कहां पर हैं। हम आपको बकिया बराज ले चलेंगे और दिखाएंगे। इस बराज से हजारों एकड़ जमीन में सिंचाई होती है और लगातार यहां के लोग पानी का इस्तेमाल अपने खेती के लिए करते हैं, कई तरीके से करते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं अगर इस बीमारी का कोई भी फैलाव इस इलाके में हुआ तो यह हमारे आपके सबके जीवन को खतरे में डाल सकती है। चीन के वुहान शहर से जो खबरें छनकर आ रही थी, उससे यह पता चल रहा था यह बीमारी चमगादड़ से फैलती है। हमने पता करने की कोशिश की इस इलाके में चमगादड़ कहां पाए जाते हैं। हमें पता चला रीवा से 24 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर चमगादड़ पाई जाती है। हमारी टीम ने उस जगह का दौरा किया। वहां हमने जो देखा वह आप देखकर आपके होश उड़ गए होंगे, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हजारों की तादाद में पेड़ों पर लटक रही चमगादड़ देखकर ऐसा लगा मानो जैसे कोरोना सीधे चाइना से निकलकर, वुहान से निकलकर इस इलाके में पहुंच गया हो। वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आइए आपको सीधे सुनाते हैं रीवा महाराजा वाइल्ड लाइफ कमेटी के पूर्व सदस्य इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। जब हमने उनको यह वीडियो दिखाया तो उन्होंने क्या कहा, हमें क्या बताया, आप भी देखिए, आप भी सुनिए। मीडिया का आभारी हूं, क्योंकि इस प्रकार की जो खबरें हैं और ये विजुअल्स जो मैंने देखे ये डरा देने वाले हैं, और थोड़ा बहुत भी अगर इनके बारे में जानता हो तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। बकिया, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सतना का आरंभ जिले का होता है और इधर हमारा रुपौली और सपाहा है, बकिया डैम भी है जहाँ से पानी भी आता है। मैंने आपके आने के साथ साथ लगभग 4 यूनिवर्सिटीज़ के अनेकों पेपर्स का सर्वेक्षण करा और मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ
और बिल्कुल हमारे दर्शकों को जो इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हाँ। वो निश्चित रूप से जानना चाहेंगे क्योंकि चमगादड़ को लेकर हाँ। इस समय काफी उत्सुकता है, तो आप बिल्कुल इसको विस्तार से हमारे दर्शकों को अच्छे से समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका क्या मतलब है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की स्टडी रिपोर्ट है बैट्स के बारे में, और वो बहुत खतरनाक है और बहुत डरावनी है ये रिपोर्ट है। मैं उसका एक इम्पॉर्टेंट भाग पढ़ रहा हूँ। द स्टडी फाइंड्स दैट बैट्स फियर्स इम्यून रिस्पॉन्स टू वायरस को ड्राइव वायरसेस टू रेप्लिकेट फास्टर। रेप्लिकेट हो सकती है मतलब बदल सकती है और वो ट्रांसफर हो सकती है। सो दैट व्हेन वी जंप इनटू मैमल्स विद द एवरेज इम्यून सिस्टम सच एज ह्यूमन, जब हम मैमल्स में जिसमें ह्यूमन भी आते हैं उनके ऊपर जब हम कहते हैं, द वायरस रैक डेडली हैवक। ये वायरस जो है ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये हैवक मतलब उत्पात, हैवक का मतलब उत्पात फैला सकता है। सम बैट्स इंक्लूडिंग दोज नोन एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन, ओरिजिनल सोर्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन हैव बीन शोन द मोस्ट इम्यून सिस्टम्स दैट आर परपेचुअली प्राइम्ड इनटू माउंट डिफेंसेस अगेंस्ट द वायरसेस। वायरल इन्फेक्शन इन दीज बैट्स लीड टू अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, फास्ट रिस्पॉन्स दैट वॉल्स ऑफ वायरस सेल्स। वाइल दिस मे प्रोटेक्ट द बैट्स फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड विथ हाई लेवल लोड्स, इट एनकरेज करता है, प्रोत्साहन देता है दीज वायरसेस टू रिप्रोड्यूस मोर क्विकली विद इन द होस्ट बिफोर अ डिफेंस कैन बी माउंटेड। डिफेंस मतलब उसका हम कहीं ना कहीं उसको रोक सके, रोकथाम कर सके उसके खिलाफ, वो उसके पहले ये तिगुना चौगुना, जिस प्रकार से हमको लगता है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि ज्यों ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा का दून कवि रूप दिखावा, तो ये डबल डबल ये मल्टीप्लाई कर रही है। दिस मेक्स द बैट यूनिक रिजर्वर ऑफ रैपिड रिप्रोडक्शन, एक यूनिक रिजर्वर, एक रिजर्वर बना देता है, एक डैम बना देता है ऑफ रैपिड रिप्रोडक्शन, बार बार रिप्रोड्यूस करता है ये, एंड हाईली ट्रांसमिसिबल, ये ट्रांसफर हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में ये ट्रांसफर हो सकता है, ये रिसर्च बोल रहा है। वाइल द बैट्स कैन टॉलरेट वायरस लाइक दीज बैट्स वायरसेस मूव इनटू एनिमल्स एंड द लैक ऑफ फास्टर रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम एंड द वायरस क्विकली वेल्म देयर होस्ट लीडिंग टू अ हाई फेटल रेट्स, फेटल डेडली, जिससे मृत्यु हो सकती है। कुल मिला के बात यह है कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और एट द सेम टाइम साथ साथ ये इतना खतरनाक है कि जब तक हम इसके खिलाफ कोई भी युद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे भी तब तक ये चौगुना काम कर दिया होगा। नहीं, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, मतलब जैसे अभी आपने कहा कि ये काफ़ी तेज़ी से पैदा होता है जब, और किसी के समझ में नहीं आता, जब तक समझ में आएगा बात हाथ से निकल जाएगी और तो, ये फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस स्थिति में जहाँ पर ये पक्षी इस समय मौजूद हैं, प्रशासन को आप किस तरीके की, क्योंकि आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए रहे हैं, लगातार वाइल्ड लाइफ के लिए आपने काम किया, प्रशासन को आप किस तरीके से सचेत करेंगे और क्या चाहेंगे कि प्रशासन इस तरीके की? मैं प्रशासन के हाथ जोड़ के आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, कि चार चीज़ें इमीडिएटली करें। नंबर एक, पूरा उस रास्ते को बंद कर दें, जहाँ अगर बैट्स खेत में हैं तो उस खेत में कहीं कोई ना जाए। विंड डायरेक्शन पता कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। विंड जिस तरफ जाएगी उस तरफ उसके कीटाणु या जो भी उसकी रिप्रोडक्शन के जर्म्स होंगे वो उड़ेंगे, तो हम पहले विंड डायरेक्शन भी उसको देख लें। अगर विंड डायरेक्शन उस गांव के तरफ जा रहा है तो ये बहुत खतरनाक है। अगर प्रशासन एक तरीके से तैयार रहे, और मैं गाँव वासियों से भी, वहाँ के हमारे तिवारी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं वहाँ, उन सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि वो तैयार रहें कि अगर हमें गांव खाली कराना पड़ा तो हम गांव खाली कराएंगे, क्योंकि उनकी जान, उनकी रक्षा, मानवता की रक्षा हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तीसरी बात, अगर वो विंड डायरेक्शन आपके तालाब की तरफ जा रहा है तो भी बहुत खतरनाक बात हो सकती है, और उस पूरे क्षेत्र को हम प्रतिबंधित कर दें,
वहाँ पर ये कोशिश करें कि अभी कोई निकले ना, ख्याल रखें लोग, किसी प्रकार से बच्चे वहाँ ना पहुँचें खेल कूद करने के लिए या कुछ भी करने के लिए जैसे जो जाते हैं। और जितनी जल्दी हम सारा अपना जो अस्त्र शस्त्र है हमारे पास, जो हमारे पास कुछ भी सैनिटाइजेशन की जो चीज़ें हैं, जो दवाएं हैं, जो इम्यूनाइजेशन की दवाएं हैं, मैं वहाँ के बुज़ुर्गों से निवेदन करना चाहूँगा कि गलोई का रस है, उसका चूरा नाता है, इस प्रकार से चीज़ें ले जिससे पौष्टि हमारी वर्धन हो सके और हमें ताकत प्राप्त हो सके, इम्यूनाइजेशन सिस्टम हमारा अच्छा हो सके। कोशिश करें कि गर्म पानी लेना शुरू करें, गर्म पानी में थोड़ी सी चाय ज़रूर डालें, क्योंकि यूहान में जो उपयोग करा गया उसमें ये सिद्ध हो गया है कि चाय का इस्तेमाल वो करते हैं। अदरक है हमारा, गलोई है हमारा, लौंग है, मुलेठी है, ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं, और काली मिर्च है, सौंठ है, ये बहुत उपयोगी रहेगी। और मास्क, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि तत्काल पहले कलेक्टर सतना और कलेक्टर रीवा और कमिश्नर साहब हमारे जो बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं, भार्गव जी बहुत सक्रिय काम कर रहे हैं, उनका प्रशंसा मैं कर रहा हूँ, वो तुरंत पहले वहाँ मास्क भिजवा दें। बच्चे और बूढ़े और सारे लोग, हमारी माताएं बहनें सब वहाँ पर मास्क पहनना शुरू कर दें। प्रथम दृष्टि ये हम काम करें तो बहुत उचित होगा। इस समय पूरे दुनिया में कोरोना जैसी भयंकर बीमारी फैली हुई है। जैसा कि आप सबको मालूम ही है, यह बीमारी वुहान शहर से आई। कहा जाता है यह बीमारी एक चमगादड़ की वजह से फैली। हमारी टीम ने यह तय किया था कि रीवा और उसके आसपास चमगादड़ क्या पाई जाती हैं, और पाई जाती हैं तो कितनी संख्या में पाई जाती हैं। हम मौजूद हैं रीवा से 25 किलोमीटर दूर बकिया बराज नाम एक जगह पर, जहां पर यहां पर एक डैम है। उस डैम से यहां पर हजारों एकड़ ज़मीन में सिंचाई होती है। ठीक उसी के बगल में आम का एक पेड़ आप अपने टीवी स्क्रीन में इस समय देख पा रहे होंगे। इस पेड़ में हज़ारों की तादाद पर चमगादड़ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बकिया बराज के सरपंच संदीप जी। संदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये आप यहाँ पर चमगादड़ कब से देख रहे हैं? जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, मेरी उम्र 35 वर्ष हो चुकी है, तो ये मान लीजिए 35 वर्ष से ज़्यादा हो गया, 100 या 100 से ज़्यादा वर्ष मान लीजिए आप यहाँ पे चमगादड़ हमने वैसे बताने से जानकारी है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से इस पेड़ में मैं लगातार चमगादड़ देख रहा हूँ। आज की तारीख में यहाँ पर जिस तरीके से चारों तरफ सन्नाटा है, मैं आपको दिखाऊंगा आपके टीवी स्क्रीन में इस समय एक खेत, जिस खेत में गेहूँ लहलहा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन में अगर आप देख पा रहे होंगे तो गेहूं की फसल एक तरफ दिखाई दे रही, बाकी चारों तरफ के खेत इस समय कट गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है लोग यहां पर दहशत में हैं, डरे हुए हैं, शायद इसीलिए उन्होंने इस आम के पेड़ से लगी हुई ज़मीन पर गेहूं की फसल भी नहीं काटी है। तो क्या आपको लगता है, यहां पर मैं एक मंदिर भी देख रहा हूं, आपको क्या लगता है यहां पर लोगों ने आना कम कर दिया है? जी जी बिल्कुल, आना कम कर दिया है लोगों ने, क्योंकि ये महामारी जो है, संक्रमण जो है, तो इकट्ठा होने से ज़्यादा फैलता है लोगों का। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें करना चाहिए, तो लोग इससे भी दूर रहते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में ना आ पाए। और ये जो चमगादड़ है यहाँ पे, इससे भी ज़्यादा लोगों को भय रहता है, इसलिए मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए लोग कम आते हैं यहाँ पे। निश्चित रूप से वुहान शहर का असर रीवा तक दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपने देखा, एक आम का पेड़, उस पे हजारों की तादाद पे चमगादड़। यहाँ के सरपंच जिनका साफ तौर से कहना था, हमारे यहाँ पर एक बड़ा मंदिर है, यहाँ पर जिस मंदिर में लोग पूरा गांव सुबह शाम आके पूजा किया करता था, वहाँ पर इस समय सन्नाटा। हालांकि लॉकडाउन का लोग पालन कर रहे हैं, फिर भी लोगों के दिलो दिमाग में दहशत बसी हुई है। ठीक आम के पेड़ से लगा हुआ एक खेत है, उस खेत में गेहूं की फसल अभी भी लहला रही है। लोगों ने उस पेड़ पर जाके, पेड़ के पास जाकर चमगादड़ की डर की वजह से उस खेत की अभी तक फसल भी नहीं काटी है। माना जा सकता है चमगादड़ जिसको इस
दुनिया में जो लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा लोग मर गए हैं, उनके मरने की वजह माना जा रहा है यह बीमारी चीन से फैली थी, लेकिन इसका असर रीवा में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके की परिस्थितियां यहां पर निर्मित हुई हैं, इस सड़क में सन्नाटा, मंदिर में कोई नहीं, बगल में खेत अभी भी नहीं काटा गया, पेड़ के ऊपर हजारों की तादाद में चमगादड़, यह सब बताता है वुहान से जो चमगादड़ के बारे में खबर फैली उस खबर में दम है। इस खबर पर हम आपको लगातार आगे भी कोई अपडेट अगर हमें मिलेगा तो बकिया बराज आकर हम उसकी भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ संदीप जी मौजूद थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ नेटवर्क टुडे के लिए मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। आप भी घर पर रहिए, आप हैं तो कल है। आपके मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।